बरेली में सदर तहसील के एक अमीन द्वारा रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमीन रुपए लेते दिख रहा है। इस वीडियो में पीड़ित जितने रुपए अमीन को देता है उससे संतुष्ट न होने पर वह यह कहता हुआ सुना जा सकता है कि यह तो दीपावली की मिठाई हो गई, खाली सेटलमेंट कर लो, आपका 4 से 4.5 लाख रुपए मैं करवा दूंगा, 10-20 हजार रुपए देकर अपना फॉर्म भर दो। अमीन आगे कहता है कि एक दिन मेरे साथ चलो बैठकर बात कर लो। इस दौरान संग्रह अमीन द्वारा रिश्वत लिए जाने का पीड़ित ने अपनी पत्नी से छिपकर एक वीडियो भी बनवा लिया था, जिससे एक पेन ड्राइव में सुरक्षित करवाकर लिखित शिकायत के साथ जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर के नरकुलागंज निवासी पीड़ित आकाश बाबू ने शिकायती पत्र में बताया कि शहर तहसील में तैनात संग्रह अमीन रामजी शरण 3 अक्टूबर को 6,89,000 से अधिक रुपए की एक आरसी लेकर उनके घर पहुंचा था। इस दौरान उसने धमकाते हुए कहा कि तहसीलदार और एसडीएम साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, तुम पैसे जमा कराओ नहीं तो तुम्हारे मकान की कुर्की लग जाएगी और तुम्हें भी हवालात में डाल दिया जाएगा, जिससे पीड़ित भयभीत हो गया। जिसके बाद अमीन रामजी शरण ने उससे 25,000 रुपए रिश्वत में मांगते हुए कहा कि उसे यह रुपए तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी तक पहुंचाने होते हैं। इस दौरान पीड़ित की काफी मिन्नतें करने के बाद 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर अमीन मान गया। वहीं एक हफ्ते में 15,000 रुपए की और व्यवस्था करके उसे कॉल कर बुलाने को कहा, जिसके बाद 30 अक्टूबर की सुबह अचानक अमीन रामजी शरण पीड़ित के घर पहुंचा और 15,000 रुपए मांगने लगा। लेकिन इस दौरान पीड़ित के घर केवल 1,000 रुपए थे, जो आरोपी अमीन ने ले लिए। लेकिन इस दौरान पीड़ित की पत्नी ने रिश्वत लेने का वीडियो बना लिया, जिसके बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कितने हैं ये गिन लीजिए, आपको नहीं, आपको तो पता ही होगा। 1,000 रुपए उस दिन क्या कहा उन्होंने आपसे? सुनिए तो समझ में, आपको स्थिति इतनी कपड़े ही कपड़े हैं ना, समझ लीजिए, बाकी स्थिति बहुत टाइट है। तो मैं आप फोन उठाया करो, सबसे बड़ी समस्या ये है। सुनिए तो, मैं आपके घर से बाकी कॉल आएगी, पता चलेगी तभी कॉल बैक कर पाऊंगा। जहाँ आप खुद ही करो लगी हुई, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं व्यवस्था में लगा रहता हूँ, पैसे की व्यवस्था हो जाए मैं दिन निपटा हूँ। काम भी सब बनते बनते बिगड़ रहा है, जब समय खराब होता है तो ऐसा ही होता है। आप एक बार हार मान लीजिए और बताइए, चार पाँच बजे सेवा कराइए। कुछ नहीं, कुछ समय तुमसे ये कहा कि अगली बार ज्यादा करना, दीपावली की मिठाई हो गई खाली, आगे भी देख लूंगा। मतलब कोई उसका रास्ता निकालो, मैं रास्ता निकाल दूंगा, चिंता मत करो, सेटलमेंट कर लो उसका। वो तुम्हारा 4-4.5 लाख में सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, चलिए भाई साहब, मैं ना मैं उसी जुगाड़ में लगाऊँ की कैसे व्यवस्था। 4-4.5 लाख में करा दूंगा और उसमें तुम ऐसा कर लो 10-20 हजार रुपए जमा करके उसका फॉर्म भर दो। अच्छा भाई साहब,